जिस तरह ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचता, तो रोज़ा भी आतिश-ए-दोज़ख से ढाल है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला है। रोज़ेदार को अल्लाह की ख़ास रहमत नसीब होती है। एक हदीस में आता है कि लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्र ही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोज़ेदार को दो खुशियाँ में नसीब होती है। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोज़ा मंजिल तक पहुँचता है, तो किस मुसर्रत और खुशी और सरशारी के आलम में रोज़ादार होता है कि शुक्र है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूब मंजिल किया। तो उस वक्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा होता है, और फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामो दहन में टपकाता है और वो ठंडा मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मैदे की तरफ भर रहा होता है, उसकी ज़ुबान बोले ना बोले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, उसका एक एक उज़्वे बदन रब का शुक्राना अदा कर रहा होता है, वो ठंडा और मीठा मशरूब रगों को तर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन शुक्राने का वो पैकर बन जाता है। वो एक मुसर्रत, एक खुशी का आलम होता है कि रोज़ा भी निप गया, सारे दिन की तकलीफ भी कट गई और अल्लाह ने मुझे इफ्तार के लम्हों तक पहुँचाया। फरमाया रोज़ेदार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। और दूसरी खुशी रोज़ादार को तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपना दीदार अता फरमा। बनी आदम के जितने भी अमल हैं 10 से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब औलाद आदम को उसका दिया जाता है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, तो बाज़ को 10 गुना, बाज़ को 70 गुना, बाज़ को 100 गुना, बाज़ को 700 गुना। तो 10 से लेकर 700 गुना तक बंदे के आमाल का सिला दिया जाता है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, लेकिन रोज़ा जो है अल्लाह फरमाता है वो मेरे लिए है, उसका अजर मैं खुद अता करूँ। जब वो खुद अता करेगा तो कितना अता करेगा? सखी इतना बड़ा हो तो फिर क्या अता करेगा? बल्कि बाज़ ने इसको अजजीब ही की बजाय के लिस फरमाया कि असोम लीव आना उजजा बे ही, इसको उजजा पड़ा है बसीगा मजहूल, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूँ। बाकी आमाल की जजा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन रोज़े की जजा मैं खुद हूँ। और जिसको वो खुद मिल गया फिर जन्नत में मिल गई, जन्नत वाला जो मिल गया फिर जन्नत भी मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गईं। तो रोज़ा अल्लाह की खुशनूदी का ज़रिया है, उसकी रज़ा का ज़रिया है। तो खुश नसीब लोग रोज़े की बरकतें हासिल करते हैं। और एक रिवायत में आता, जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, अल्लाह अहले ईमान को अपने बंदों को मोहब्बत की नज़र से देखता है, और अल्लाह जिसको मोहब्बत की नज़र से देख ले फिर उसे कभी अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो ये रोज़ादार के लिए अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, अल्लाह की रहमतों के उजाले हैं जो उसके ऊपर बरसते हैं। तो मैं और आप इस माह अनवर को, इस माह नूर को इस तरह से गुजारें कि हमारे अंदर के पाप धुल जाएं, हमारी गलासतें गुनाहों की मिट जाएं, हमारा सीना साफ हो जाए, हम अहले ईमान के लिए कुशादा दिल हो जाएं, हमें जो है वो झूठ से, तकब्बुर से, बुखल से, रिया से और दीगर उमूर बद से इज्तनाब करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा जो सिखाना चाहता है हम वो इससे सीख लें, और रोज़े की बरकत ज़ब्त नफ्स की सूरत में हमें नसीब हो जाएं, तो हम रोज़े के बाद भी, माह सियाम के गुजरने के बाद भी एक नई ज़िंदगी लेकर, एक ताजगी लेकर, एक नूर और रोशनी लेकर के जो है वो मुआशरे के, इस्लामी मुआशरत के एक अहम फ़र्द की सूरत के अंदर जो है वो सामने आएँ। तो अल्लाह इस माह सियाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। हर साल महीना आता है, गुजर जाता है, हम पूरा महीना भूख काटते हैं और फिर वहाँ के वहाँ ही खड़े रहते हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए, लेकिन अगर तब्दीली आती है तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज की इस तारीख में हम अज़म करके उठें कि हमारा ये माह सियाम हमारी ज़िंदगी में एक संगे मील साबित होगा, और हम एक नए बांकपन के साथ, नए अज़म के साथ ये महीना गुजारेंगे और ज़ब्त नफ्स सीखेंगे इस महीने से, अपनी आँखों पर पहरे बैठाएँगे, अपने ख्यालों पे काबू रखेंगे, अपनी सोचों को आवारा नहीं होने देंगे, अपनी ज़ुबान से एक जुमला भी गलत नहीं निकलने देंगे, ना झूठ
न बोहतान, न गाली, न सब्बो शतम, न शिकवा, न गीबत, न चुगली। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुनाह इस ज़ुबान से होते हैं। लुकमाए हराम से अपने आप को महफूज करेंगे, अपनी आँखों पर शर्म व हया के पहरे बैठाएँगे। और यूँ एक पूरा महीना जब हमारा गुजरेगा, तो ज़ब्त नफ्स की जो आदत हमें पड़ जाएगी, उसको हम बाद में काम में लाएंगे। और फिर चंद माह ऐसे गुजर गए, तो फिर हमें सुरूर भी नसीब होगा, ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ भी आएगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको इबादत में सुरूर नसीब हो, तो वो अपनी नज़र को गैर महारम को शहवात से देखने से महफूज कर ले, उसको सजदे में सुरूर आने लग जाएगा, सजदे में लुत्फ आने लग जाएगा। अगर हमारी नज़र नापाकिजगी का शिकार रहती है और नज़र जो है वो ताहर नहीं रहती, जलवत में हो या खलवत में, तो फिर हमें इबादत का सुरूर कभी भी नसीब नहीं हो सकता। तो इबादत का अपना एक लुत्फ़ है, इबादत का अपना एक चस्का है, एक मज़ा है। देखिए, आप फ्रूट खाते हैं, फल लेते हैं तो उसका एक सुरूर है, मशरूब लेते हैं तो उसका एक सुरूर है, खाना खाते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त का अपना अलग अलग जायका है। तो जिस तरह मुख्तलिफ खानों के जायके अलग हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों का तासुर और जायका और लुत्फ अलग है, इसी तरह इबादत का भी लुत्फ है। सजदे का अलग मज़ा है, क़याम का अलग मज़ा है, रुकू का अलग लुत्फ है, फिर उसकी कैफियत अलग हैं। सजदा घर में करें तो लुत्फ और मिलता है, मस्जिद में करें तो लुत्फ और मिलता है, किसी साले इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो लुत्फ कुछ और मिलता है, और अगर पेशानी को हरम की ज़मीन मिल जाए तो फिर लुत्फ कुछ और मिलता है। इसी तरह आपके दीगर आमाल, रोज़े का एक लुत्फ है, एक सहरी का लुत्फ है। यार सहरी अगर आप अकेले करें तो उसका मज़ा और है, किसी होटल में करें तो उसका लुत्फ और है, और चूल्हे के पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियाँ खाएँ और सहरी का लम्हे हों और तहज्जुद गुजार माँ के हाथों से पके हुए पराठे खाएं, तो फिर सहरी का लुत्फ कुछ और है ना, ज़रूर और है। अच्छा, आपको अपने मुर्शिद के साथ बैठ के शहद सहरी करने का मौका मिल जाए तो उसका लुत्फ कुछ और है। इसी तरह इफ्तारी का मज़ा है, घर में करें, दोस्तों में करें, किसी साले शख्स की सोहबत में करें, लुत्फ और है। और अगर इफ्तारी करने का मौका आपको गुंबद खजरा के सामने नसीब हो जाए, खजूर भी मदीने की हो, धरती भी मदीने की हो, और सामने सब्ज़ गुंबद हो, और फिर खजूर मदीने की खा रहे हो और नज़र हुजूर के रोज़े पे हो, तो फिर इफ्तारी का मज़ा कुछ और होता है ना। तो हर अमल का एक लुत्फ़ है, हर अमल का एक सुरूर है, हर अमल का एक हज है। रोज़े का अलग मज़ा है, रखने का अलग मज़ा है, भूख काटने का अलग मज़ा है, प्यास की शिद्दत का मज़ा अलग है, खोलने का अलग मज़ा है, तरावी का अलग मज़ा है, तिलावत का अलग मज़ा है, सजदे का, क़याम का, रुकू का, तशहद का, कौमे का, जलसे का, हर 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 अमल का एक लुत्फ है। लेकिन लुत्फ नसीब कब होता है? जब आपकी नज़र पाक होती है। जब नज़र पाक होती है तो फिर हम, नज़र पाक नहीं होती तो हम टकरें तो मारते हैं लेकिन इबादत का सुरूर नहीं आ रहा होता। सुबहान रब्बी अल आला जब बंदा पुकार रहा होता है, पेशानी भी सजदे में, उसकी नाक भी सजदे में, आज़ाए बदनियाँ भी सजदे में, और उधर से पुकार रहा है सुबहान रब्बी अल आला, मालिक देख कायनात में मुझसे नीचा कोई नहीं, तेरे से ऊँचा कोई नहीं है, तो फिर सुरूर क्यों नहीं आएगा, लुत्फ क्यों नहीं आएगा? मालिक की दहलीज पे पेशानी रख के रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तो क्यों सुरूर नहीं आएगा? लेकिन ये सुरूर तब आएगा अगर नज़र पाक हो। आज के मौसम में, आज के दौर में निगाहें बहुत नापाकीज़ा हो गई, और दौरे मौजूद के अंदर, इस सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया ने लोगों की तन्हाइयां भी पाक नहीं रहने दी। आज बंद कमरे में लोगों की निगाहें और लोगों की नज़रें नापाकीज़ा हो गई हैं। साहेब, क्या ज़िंदगी यूं ही गुजार के चले जाएंगे? हम ये समझते हैं कोई देखने वाला नहीं, कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है कि जो हमारे एक एक अमल का मुहासबा करने वाला है, कोई तो है जो एक एक अमल का वजन करेगा, और कयामत के दिन तराजू पे सारे अमल तोले जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी बर्बाद कर लें। ज़िंदगी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। आप अपनी माँ के लिए कितनी ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं? आप अपनी औलाद के लिए कितनी ख्वाहिशें कुर्बान करते हैं? आप अपनी बीवी के लिए कितनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं? बहन भाइयों के लिए कितनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं? तो मालिक के लिए कोई ख्वाहिश कुर्बान ना करें,
और कहें कि मालिक का कुरब मुझे मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह की मोहब्बत इतनी सस्ती तो नहीं है। ये दुनियादार से प्यार करें तो उस प्यार की भी कीमत चुकानी पड़ती है, किसी से प्यार करें तो उसका भी कोई आपको जो है वो उसकी भी कीमत देनी पड़ती है। तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का इश्क, रसूलुल्लाह का इश्क कोई इतना सस्ता तो नहीं है कि उसकी कोई कीमत ना देनी पड़े। अपनी ख्वाहिशात की गर्दन पे छुरी फेरनी पड़ेगी, अपनी तमन्नाओं को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी खलवत को भी पाकीज़ा रखना पड़ेगा, अपनी जलवत को भी पाकीज़ा रखना पड़ेगा। और ये रोज़ा सिखाता है हमें, रोज़ा हमें सिखाता है। हमारे सूफिया एक मुराकबा करते हैं और उसमें वो ये मुराकब होके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और जब ये एहसास उनके साथ जुड़ जाता है हर वक्त कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं उसकी निगाहों में हूँ, तो फिर गुनाह करने से गुरेजा हो जाते हैं, क्योंकि ये एहसास गुनाह करने से बंदे को बचाता है। और मेरे हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, जब जिब्रील अमीन ने पूछा कि हुजूर एहसान क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि तू उसे देख रहा है, और अगर ये कैफियत नहीं है तो कम अज़ कम ये कैफियत हो कि वो तुझे देख रहा है, और ये अगर पूरी ज़िंदगी में फैल जाए तो गुनाह करना मुश्किल ही नहीं महाल हो जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये नूर, ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में गुनाहों से बचाने का मौसर जरिया है। आप नहीं देखते कि सातवीं कोठड़ी में जब सारे दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर भी मोटा खेस डाल के जुलेखा बोलती है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब दरवाजे भी बंद हैं, उसने अपने बुत के ऊपर भी खेस डाल लिया और हजरत यूसुफ को पुकार रही है, जवाने रा ना हो शबाब की जोलानियाँ हों और हुसन कदमों में बिछने के लिए खुद बेताब हो, हाथ जोड़ के हुसन खैरात मांगे जवान और शबाब से, तो फिर अपने जज्बात को कौन काबू में रखेगा। लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माजल्ला का मैं अल्लाह की पनाह में आता, तू दरवाजे बंद करके लोगों की निगाह से छुप गई और इस पत्थर के मुजस्मे की बेनूर आंखों से भी हया करती है और खेस डाल लिया, तू इस झूठे खुदा से डरती है, तो मैं उस सच्चे खुदा से ना डरूं जो सातवीं कोठड़ी में भी देख रहा है। फिर गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो जाता है। ऐसा यकीन बरसता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी आबरू बचाने के लिए दौड़ते हैं तो कुफल टूटते चले जाते, जंजीरें पिघलती चली जाती हैं और अल्लाह अपने पैगंबर की हिफाजत करता है। ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जिंदगी में हुस्न भर देता है, ये यकीन जिंदगी में गुनाहों से बचाने का जरिया है। और ये यकीन सूफिया मेहनतों से हासिल करते हैं, माह सियाम में अल्लाह इस यकीन को छिड़क देता है। कड़कती धूप है, बरसती गर्मी है, बंदा फिर भी पानी नहीं पी रहा, ठंडा मशरूब मुयसर नहीं ले रहा, क्यों? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये यकीन अल्लाह इस महीने में अता करता है, उसको अगर जज्ब कर लिया जाए, रूह में उतार लिया जाए, तो रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ये यकीन काम आएगा। जो अल्लाह रमज़ान में देखता है वो गैर रमज़ान में भी देखता है, जो अल्लाह पानी पीने लगे, खाना खाने लगे देखता है, मेज़ के ऊपर से या नीचे से रिश्वत लेने लगे अल्लाह तब भी देखता है, नज़र भटकने लगे वो तब भी देखता है, ख्याल बहकने लगे वो तब भी देखता है। तो ये तो अल्लाह की रहमतों का रूप है, ये नेमत भला किसी और के पास है कहाँ जो अल्लाह ने अहले ईमान को अता दी है। रोज़ा तो मन संवार दे, रोज़ा तो अंदर के मैल उजाल दे, रोज़ा तो अंदर की गलाफतें खुरच दे, रोज़ा तो जो है वो जब्त नफ्स का करीना सिखा दे, रोज़ा तो अल्लाह से मिलाने का तरीका बता दे, रोज़ा तो मन की रोशनियों का जरिया हो, रोज़ा तो पिछले पाप मिटा दे, आगे ज़िंदगी गुजारने का ढब दे दे। तो ये एक ऐसा नूर है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको माह सियाम की बरकतें नसीब फरमा।